Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing another 20 marks question of community medicine, and that is health promotion. Friends, health promotion कई बार examination में पूछा जा चुका है. That is why I have thought of discussing this topic with you all. Friends, मैंने अभी तक SPM के दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, एक डायमेंशंस ऑफ हेल्थ और दूसरा इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ. तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर या फिर आई लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो. आई एम श्योर यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल इफ यू हैव योर एग्जाम्स नियर बाय. एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन करने के लिए वो सारी लेक्चर्स बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट नॉलेज व्हाट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स. नाउ यहाँ पर मेंशन किया गया है हेल्थ प्रमोशन क्या होता है. हेल्थ को बढ़ावा देना, ठीक है. हेल्थ एक कम्युनिटी में बढ़ी रहे, अच्छे से रहे, उसके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है हेल्थ प्रमोशन, ठीक है. द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रमोशन वॉज हेल्ड इन ओटावा इन नवम्बर 1986, ठीक है. तो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने हेल्थ प्रमोशन के इश्यू को उठाया था, दैट वॉज हेल्ड इन ओटावा इन 1986 नवम्बर में, ठीक है. इसका इम्पोर्टेंस क्या था कि जो हेल्थ है ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, वो सब तक मिलनी चाहिए, ठीक है, सबको पहुंचनी चाहिए. दैट इज द रीजन हेल्थ प्रमोशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है. द कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इन प्रोक्लेमेशन ऑफ द ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन विच हैज बीन अ सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन सिंस देन, ठीक है. तो तब से ही हेल्थ प्रमोशन के लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस कह ले या फिर एक इंस्पिरेशन कह ले वो ओटावा चार्टर था, ठीक है. तो आपको ये चीज याद रखनी है. इससे कई बार पीजी में भी क्वेश्चंस आते हैं कि हेल्थ प्रमोशन के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दैट वाज हेल्ड इन ओटावा एंड इन 1986 दैट वाज द ईयर. नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट द जकार्ता डिक्लेरेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन, ये फोर्थ कॉन्फ्रेंस थी, दैट वॉज हेल्ड इन ईयर 1997, ठीक है. और इसने कुछ ऐसे डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ बताए थे या फिर कुछ ऐसी फंडामेंटल कंडीशंस बताई थी जो कि अगर प्रेजेंट रहे तो हेल्थ को इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है. तो दीज आर दोस कंडीशन एंड सम ऑफ द कंडीशंस जो कि एज अ थ्रेट काम करती है, लाइक पॉवर्टी इज अ ग्रेटेस्ट थ्रेट टू हेल्थ. अगर आप हेल्थ का प्रमोशन करना चाहते हो बट कोई ऐसी एरिया है जो कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिसका अच्छा नहीं है, तो वहां तक हेल्थ को पहुंचाना दैट इज अ वेरी क्रूशियल येट वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है. नाउ ओटावा चार्टर को पढ़ने के लिए हमें ये फाइव की एक्शन पॉइंट्स जो कि हेल्थ प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड है ये जानना बहुत जरूरी है, एंड ऑल्सो अबाउट द लोगो, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की एक्शन प्लान समझते हैं कि ओटावा चार्टर जो कि एक इंस्पिरेशन का काम करता है हेल्थ प्रमोशन के लिए, उसके क्या क्या एक्शन एरियाज हैं. द फर्स्ट वन इज बिल्ड हेल्थ पब्लिक पॉलिसी, एक एजेंडा बिल्ड करना कि हमें क्या करना है, ठीक है. हेल्थ केयर करना एक दूसरी बात हो गई, बट हेल्थ को प्रमोट करना के लिए एक एजेंडा होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले बिल्डअप हेल्थ पॉलिसी में आप एजेंडा को ध्यान रखोगे कि हमें एक एजेंडा बनाना है, क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ, ठीक है. तो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाना हेल्थ के लिए कैसे हो सकता है ऐसा, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, जो पर्सन है वो अच्छे एरिया में रहे, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो उसे मिल रहे हैं वो सारे हेल्दी हो, पोल्यूशन ना हो, तो वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो होता है वो हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प कर सकता है. स्ट्रेंथन कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ, ठीक है. तो अगर कम्युनिटी की आप हेल्प लो, डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो, प्रायोरिटीज डिसाइड करो, प्लानिंग स्ट्रेटजीज का यूज करो, जिसकी हेल्प से हम वेरियस कम्युनिटीज को एक साथ लेके चल के हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है. डेवलप पर्सनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स को डेवलप करके भी हम इन चीजों को प्रमोट कर सकते हैं.
मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन इज रीओरियंट हेल्थ सर्विसेज. हेल्थ सर्विसेज का रीओरियंटेशन करना, दैट मीन्स हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है जिसकी हेल्प से जो हेल्थ है पर्सन की वो प्रमोट हो पाए, पर्सन जो है वो एक हेल्थियर लाइफ जी पाए, ठीक है, और पर्सन जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली एज वेल एज एनवायरमेंट उसका काफी हेल्दी हो, ठीक है. सो दीज वर बेसिकली द फाइव की एक्शन एरियाज जो कि जिसके ऊपर ओटावा चार्टर ने फोकस किया था, ठीक है. पहले तो एजेंडा बनाना है, सपोर्टिव एनवायरमेंट बनाना है, ठीक है, कम्युनिटी की भी हेल्प लेनी है, एक इंसान को खुद पर्सनल स्किल्स भी डेवलप करनी है जिससे हेल्थ का प्रमोशन हो पाए, एंड द लास्ट वन वॉज रीओरियंटेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जो हेल्थ सर्विसेज ऑलरेडी चलती आ रही है उनमें क्या क्या नेसेसरी चेंजेस लाने हैं जिसकी वजह से हेल्थ प्रमोशन आगे बढ़ पाए, ठीक है. नाउ ये तो हो गए की एक्शन प्लान. नाउ वी हैव थ्री स्ट्रैटेजीज फॉर हेल्थ प्रमोशन, एंड दो थ्री स्ट्रैटेजीज वर, फर्स्ट वन इज एडवोकेट, द नेक्स्ट वन इज इनेबल, एंड फाइनली द लास्ट वन इज मेडिटेट, ठीक है. तो ये तीन हेल्थ पॉलिसीज हैं, या फिर कह लो कि तीन स्ट्रैटेजीज हैं. सबसे पहले एडवोकेट, यहाँ पे क्या लिखा है, हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल बिहेवियर जो भी है वो हेल्थ को कई बार प्रमोट होने से रोकता है. तो हेल्थ प्रमोशन एक्शन एम्स एट मेकिंग दीज कंडीशंस फेवरेबल, कि जो इकोनॉमिक, सोशल ये सारी कंडीशन है वो अगर हम उन्हें फेवरेबल बना ले तो हम हेल्थ को एडवोकेट कर सकते हैं. इनेबल करना मतलब जो भी नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं वो पर्सन तक पहुंच पाए, तब हम हेल्थ को प्रमोट कर पाएंगे. एंड फाइनली मेडिटेट. मेडिटेट क्या है, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल जो भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एनजीओस है, उन सब की हेल्प लेकर हम किस तरीके से इस प्रोग्राम को, इस जो हमारा इंटरेस्ट है उसको ग्रो कर सकते हैं, वो है मेडिटेट, ठीक है. तो फाइव की एक्शन एरियाज हैं और तीन स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है. ये चीजें आपको याद रखनी है. क्यों याद रखनी है, क्योंकि जो ओटावा कॉन्फ्रेंस का लोगो है, ठीक है, एक लोगो क्रिएट हुआ था ओटावा कॉन्फ्रेंस का जिसको हम कहते हैं हेल्थ प्रमोशन लोगो, ठीक है. यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, दैट इट स्टैंड्स फॉर द अप्रोचेस टू हेल्थ प्रमोशन एज आउटलाइंड, ठीक है. तो ये जो आउटलाइन थी ओटावा चार्टर की वो इस लोगो के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है. लोगो में एक सर्कल है विथ थ्री विंग्स, जो लोगो है, ठीक है, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो दैट दिस इज द लोगो, ठीक है, एंड यहाँ पर एक सर्कल है एंड थ्री विंग्स, ठीक है, तीन विंग्स हैं, और ये कुछ ऐसा दिखता है ओटावा चार्टर का लोगो जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 फाइव की एक्शन प्लान्स जो है वो विंग्स में लिखे गए हैं, एंड जो तीन क्या चीजें थी, तीन बेसिक स्ट्रैटेजीज थी वो इस सर्कल में लिखी गई है, ठीक है. तो यहाँ पे की एक्शन प्लान्स जो हैं वो की एक्शन प्लान्स कहाँ पर लिखे गए हैं, विंग्स में लिखे गए हैं, एंड जो सर्कल है इसमें तीन स्ट्रैटेजीज मेंशन की गई है. सो अगेन दिस लोगो, हेल्थ प्रमोशन लोगो ऑफ ओटावा चार्टर विच वॉज क्रिएटेड बाई WHO इज अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो एज इन योर PG एग्जामिनेशन एज वेल एज अगर आप हेल्थ प्रमोशन को डिस्कस कर रहे हो तो प्लीज इस लोगो को डिस्क्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है. सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड हेल्थ प्रमोशन जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. आई एम श्योर यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि SPM के और एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो मिस ना हो तो जल्दी से मेडिक्योर बॉडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स. थैंक यू.